तो बेटा अगला क्वेश्चन है नीट 2023 का, वेट ऑफ, ध्यान से देखना, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपने, सोडियम एथेनोएट है। व्हाट इज सोडियम एथेनोएट बेटा, दिस इज सोडियम एथेनोएट है ना, इसको किसकी प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं बेटा, ये दोनों कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, सोडा लाइम, ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, सोडा लाइम। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड है सोडा लाइम, तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में आप इनको हीट कर रहे हो तो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल मीथेन मिल जाएगा है ना, और मीथेन के 1 मोल का वेट कितना होता है, 16 ग्राम। मीथेन का 1 मोल का वेट कितना होता है, 16 ग्राम, पूछा कितना है, 2 मोल का, तो 16 × 2 दैट इज 32 ग्राम, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 32 ग्राम्स। ठीक, गलती से 16 मत मार करके आ जाना, गलती से 16 मत मार करके आ जाना। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का कैच था कि वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ सोडियम एथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तरीका है ये करने की, रिएक्शन है।